3.3 एक्सरसाइज, तो सॉल्व द इक्वेशंस लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। जैसे हम कई बार कोई काम करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट फाइंड ढूंढते हैं ना, आपको बोल देते हैं, कोई टीचर बोल देता है हाँ जी आपने ये काम करना, आप बोलते हो सर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर टीचर आपको बोलता है हाँ जी चलो आप नहीं कर पाओगे तो आपकी जगह पर कौन काम करेगा, ये है ना, आप हमें सजेस्ट करो, आप सब्स्टिट्यूट दे देते हो हमें, है ना। तो ऐसे हम इस मेथड का नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैंने पहले बोला था थर्ड चैप्टर में हम दो इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, दो इक्वेशंस को यूज करके सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट का फर्स्ट सम है x plus y equal to 14, x minus y equal to 4। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, एक सम अच्छे से हम समझ लेंगे तो आई थिंक कोई भी ऐसा सम नहीं होएगा जो सब्स्टिट्यूट मेथड से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट एक सम को हमने अच्छे से फोकस होके समझना, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट इक्वेशन है दिस वन, या सेकंड इक्वेशन, आपने किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम फर्स्ट सम, फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x plus y equal to 14, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली और वहां से अब मेरी चॉइस है मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूं और y की वैल्यू फाइंड कर लूं। मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली x equal to 14 और y को ट्रांसपोज करके यहां पर लिख दिया, तो मेरे पास यहां से x की वैल्यू आ गई x equal to 14 minus y। क्या फर्स्ट सम, फर्स्ट स्टेप सम का सम है? फर्स्ट इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, वो x की करो y की करो वो अपनी चॉइस है, ठीक है। मैंने x की कर ली, नाउ दिस वन पुटिंग इन टू, फर्स्ट में से फाइंड करनी है तो टू में पुट करनी है, टू में से फाइंड करोगे तो वन में करनी, ठीक है। मैंने फर्स्ट से फाइंड की थी तो जो x की वैल्यू आ गई मैंने उसको टू में पुट कर देना, नाउ टू दोनों इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी 14y, x को काट के यहां पर लिखो 14 माइनस वाई, माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस माइनस क्या होगा 2y, 4 ट्रांसपोज कर दो माइनस 2y, 4 14 ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा माइनस 14, ठीक है माइनस 14 होगा। किसी भी बच्चे ने कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकता है, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल माइनस 10, माइनस को माइनस से काट दो, ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी y इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, तो y मेरे पास क्या आ गया 5, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं y मेरे पास क्या आ गया 5, y equal to मेरे पास आया था 10 divide by 2, 10 divide by 2 equal to 5, मेरे पास y आ गया 5, एक variable आपके पास आ गया, ठीक है। दोनों find करने हमने, तो now this one putting 1 कर दो 2 कर दो, ठीक है, अपनी choice है। जब अपने पास एक variable की value आ गई तो उसको आप first equation में put कर दो या second में कर दो, वो अपनी choice है। मैंने first में put कर दिया, so now first equation x plus y equal to 14, value of y 5, put the value of y in equation first, ठीक है। value of y क्या थी 5 मैंने put कर दी, तो value of x is 14 transpose minus 5, the value of x is 9, ठीक है, the value of x is 9 and the value of y is 5, this is your answer, ठीक है बेटा। देखो किसी को किसी भी step में confusion है, यहाँ पर अपना sum complete हो गया, आप पूछ सकते हो, बड़ा simple काम हमने किया, दो अपने पास equations है,
एक इक्वेशन में किसी वन में, वन और टू में किसी की हेल्प से, किसी एक इक्वेशन की हेल्प से आप वेरिएबल फाइंड करोगे। एक वेरिएबल मैंने लाइक एक्स फाइंड कर लिया था, इसको मैंने दो नंबर में पुट कर दिया, दो नंबर में पुट करने के बाद मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ जाएगी, आप वन और टू में किसी में भी पुट कर दो, वहां पर आपके पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ठीक है, देख लो, किसी ने देखना, किसी ने कुछ पूछना, एक स्क्रीनशॉट, फिर भी एक बार आपके पास वीडियो तो आएगी, फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लिया करो, नोटबुक्स बनाने में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बेटा। ठीक है सर? हाँ जी, यस सर। अगर हम सेकंड में पुट करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा? सेम आएगा बेटा, आप कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या है, वाई की वैल्यू आप सेकंड में पुट करोगे फिर भी आंसर सेम आएगा, देख लो भी, देख के कर लो, है ना? आप अभी देख ही सकते हो, हम कर लेते हैं, देखो आप करके देख लो। वाई की वैल्यू 5 है, आप सेकंड में पुट कर दो, वाई यहां पर पुट करोगे, देखो ये भी हम कर लेते हैं, फ्रॉम टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आया भी, सर सेकंड में करेंगे तब भी सेम आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आप एक्स माइनस y की वैल्यू 5 है, 5 इक्वल टू 4, तो x क्या आ गया, 4 प्लस ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9, देखो सेम आ गया। ठीक है, किसी में भी पुट कर लो, 1 में पुट कर लो, 2 में कर लो, आंसर सेम आएगा, बट एक में हमने करना। ठीक है, अच्छा इसका एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, आपने मान लो सम सॉल्व कर दिया, ठीक है, एक्स भी फाइंड कर दिया, वाई भी फाइंड कर दिया, तो 10th के सम, जो सम तो वैसे कोई भी है, पर 10th में ऑलमोस्ट बच्चा अपना सम खुद चेक कर सकता है। कैसे, देखो आपने x भी फाइंड कर दिया, y भी फाइंड कर दिया, आपने देखना है मेरा आंसर राइट है, तो आप क्या करो, गिवन इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, गिवन इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कर दो। मान लो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप अपना सम कैसे चेक कर सकते हो ना, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आप रफ वर्क कर सकते हो ऐसे, मान लो आपको ही पेपर में आ गया, एग्जाम में आ गया, ये है ना सम आ गया, आप देख कैसे चेक करोगे मेरा सम सही है गलत है, आप दोनों वैल्यू ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स क्या 9 और वाई क्या 5 और राइट हैंड क्या 14, आपकी दोनों साइड इक्वल बन गई, 14 इक्वल टू 14 आ गया ना, तो इट मीन्स आपके दोनों एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सही है बच्चे। ठीक है, दोनों राइट है। ठीक है, तो मैंने आपको आपका सम भी चेक करने के लिए मेथड बता दिया, जो भी एक्स वाई आ रहा है वो गिवन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, गिवन स्टेटमेंट में 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करें सेकंड सम, सेकंड सम आई थिंक सेकंड हो जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ना सेकंड आप खुद करोगे, थर्ड करवाता हूँ, ठीक है, थर्ड आप खुद कर लोगे, फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ करेंगे, अभी दो बच्चे क्लास लेफ्ट कर गए, दो हाँ जी, अब फोर्थ सम में आप क्या करो, देखो आप पिक्चर से स्टडी करने का फायदा क्या होता है मेन, मैंने जितनी अपनी स्टडी की है टीचर से, मैंने ये अब तक ये सोचा भी टीचर जो हमें ना सिखाता तो है अपने मेथड से, पर हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताता है जो मैथ्स हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सम नंबर 4 क्या है, फोर्थ में 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने पास, सेकंड स्टेटमेंट अपने पास है 0.4 एक्स प्लस 0.5 y equal 2.3। ठीक है, अभी मैंने बोला टीचर से पढ़ने का आपको बेनिफिट क्या है, वैसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, 10th के बच्चे हो ना, पर जब हम टीचर से किसी टीचर से पढ़ते हैं कुछ सीखते हैं, तो हमें लॉन्ग मेथड के साथ साथ, लॉन्ग तो हमने करना ही करना है, पर उसके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बता देंगे जिससे हम अपना खुद ही चेक कर सकते हैं, कुछ आसान मेथड हमें बताएंगे। ठीक है, अब देखो आप डेसिमल में करोगे इसको, डेसिमल में आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसको करूंगा तो थोड़ा इसको पहले थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख लूंगा स्टेटमेंट को। कैसे,
देखो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट है सेकंड है, इसको मैं करने से पहले क्या कर लेता हूँ, 2/10, जहाँ 2/10 जीरो लिखने पॉइंट को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस 3/10 y और इक्वल टू 1.3 को भी मैंने क्या लिख लिया, 13/10, ठीक है। अब एलसीएम करोगे, एलसीएम क्या आया, आ गया मेरे पास 10, 10 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, इस 10 को ट्रांसपोज कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो ये मेरे पास, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 मैंने ट्रांसपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 क्या आ गया ऊपर, ये 10 से 10 काट दो, तो इट मींस इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, वी कैन राइट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। तो मैंने डेसिमल को पहले उसको खत्म कर दिया, मैंने डेसिमल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन आप बोल सकते हैं जिसको दो नंबर इक्वेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तीन नंबर लिख दो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो हमने उसको लिख लिया था, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा करो, जब आप ये करो, ऐसा करो, फर्स्ट इक्वेशन को लिख के ना, आप ये फर्स्ट इक्वेशन को लिख के पहले इसको कन्वर्ट करके इसको नंबर वन लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आसान कर रहा हूँ आपके लिए, मैंने इसको चेंज करके कुछ ऐसा लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, 0.4x, 0.4x प्लस प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको भी मैं क्या करता हूं, पहले थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, 10/10। अब सभी बच्चों को पता लग गया होगा इस साथ क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कई कई सब देखने में डिफिकल्ट हैं, पर उनकी जब मैट्रिक्स पता लग जाती हैं तो वो बड़ा जल्दी और फास्ट है, बड़ा सिंपल वे से हो जाते हैं, है ना। 10 से फिर इसको क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y, और 10 को क्रॉस कर देंगे, 23/10 इनटू 10, 10 से 10 को काट दिया और क्या आ गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो फर्स्ट काम अपना इस सम में क्या है, आप पहले जो स्टेटमेंट है उसको हमने मॉडिफाई करके थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लिया बेटा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, देखो मैं इसको लिख लेता हूँ दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी मेरे पास बन गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये मेरी नंबर दो इक्वेशन है, ठीक है। इसको एक बार मैं रब करूंगा। अब मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने आपको पहले कन्वर्ट करनी सिखा दी, भी ऐसा कोई भी डेसिमल वाला सम आएगा जिसके डेसिमल काउंटिंग सेम है, तो आप ऐसे उसको डेसिमल को पहले रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखो फिर फ्रॉम वही फर्स्ट वाला मेथड, फ्रॉम वन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे में पुट करेंगे, ठीक है। मैं फिर एक्स की करता हूँ, 2x equal to 13 transpose करेंगे minus 3y, x equal to 13 minus 3y, इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, divide। I think आपको छोटे छोटे rules पता है कब transpose करेंगे और कब cross multiply करेंगे, ठीक है। Now putting number 2 equation, putting number 2, from 2, 2 number equation is 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, वैल्यू ऑफ x इज 13, माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। आई थिंक यहां तक सभी को पता लग गया होगा कि मैंने एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल, मैं देखो x की फाइंड कर रहा हूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर y की भी कर सकते हैं, y की भी कर सकते हो, वो अपनी चॉइस है, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करोगे तो दो नंबर इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दोगे, लाइक जैसे मैं x की कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो पहले इसको काट दो, 2 1 2 2 2 4, पहले इसको काट दो, ठीक है, कट ऑफ कर सकते हैं। अब आउटसाइड क्या आ गया ब्रैकेट की, 2 13 -3y +5y =23, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 26 -3 2 6y +5y =23, ठीक है।
तो 26 को ट्रांसपोज कर लेंगे, माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव वाई इक्वल टू 23, इसको ट्रांसपोज किया माइनस 26, ठीक है। माइनस सिक्स वाई में प्लस फाइव वाई करोगे तो क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल टू, ये टर्म माइनस करोगे भी क्या बचेगा, माइनस 3। देख लो, किसी को कोई भी स्टेप समझ ना आए तो साथ साथ ही उसको बेटा पूछ लिया करो, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया वाई वाई वाले और नंबर को नंबर से माइनस कर दिया, तो माइनस को माइनस से काट देता हूं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3। वाई आ गया मेरे पास 3, इसको पुटिंग करेंगे, पुट इन 1, 1 में करो 2 में करो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, 1 इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 3, y की वैल्यू 3 है 13, 2x 3 3s are 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 ट्रांसपोज करेंगे माइनस 9, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4, वैल्यू ऑफ x इज 4 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू ऑफ x क्या है अपने पास 2, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। किसी ने देख लो, कुछ पूछना तो देख लो बेटा। अब देखो, मैंने बोला था भी आंसर कैसे चेक कर सकते हो, x की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दो 4 आ गया, 3 पुट करोगे 3 3 इज 9, 9 प्लस 4 13 और राइट हैंड भी 13 है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट हम काफी सम के, ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम सभी सम के 10th क्लास में हम अपने आंसर चेक कर सकते हैं, कर तो हम छोटी क्लासेस में कर सकते हैं, पर अपना थोड़ा सा 10th में आके हम सिंसियर ज्यादा हो जाते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं, कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं, भी हाँ जी हम एक्स्ट्रा स्टडी कर लें, लाइक आपको एक्स्ट्रा हमने बुक्स लगवाई है ना, सेल्फ स्टडी वाली भी थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैंने अपना सम खुद कैसे चेक करना है। मान लो आपने अपना फाइनल एग्जाम 10 मिनट पहले या 5 मिनट 15 मिनट पहले चेक कर लिया, खत्म कर दिया है ना, तो आपके पास 5 10 मिनट 15 मिनट बचे, तो उसका मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, तो मैं अपने सम चेक कर सकता हूँ ऐसे, है ना। तो ये अपना फोर्थ सम हो गया, किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा, अदरवाइज आई थिंक फर्स्ट सम आप खुद कर सकती हो। अच्छा, जो फ्रैक्शंस में ना, एक मैं सम नंबर 6 वाला इसमें समझा देता हूँ, कई बच्चे हो सकते हैं 6 में थोड़ा कंफ्यूज हो, उसमें क्या हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जो मैं होमवर्क सम दे रहा हूँ ना, जो भी होमवर्क सम मैं दे रहा हूँ, किसी बच्चे को उनमें कंफ्यूजन हो तो जब अपनी नेक्स्ट क्लास है आप उसमें पूछ सकते हो, या कॉल करके थोड़ा पूछ सकते हो, गाइड गाइडलाइन दे सकते हो कि हाँ जी सर थोड़ा मुझे हिंट दे दो, तो हिंट ले सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ करते रहे, ऐसा नहीं कि हमने क्लास लगाई और काम खत्म। अब देखो, सिक्स इसी के फर्स्ट के सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ है, सिक्स पार्ट में हमें ना फ्रैक्शन दे दिए, कैसे फ्रैक्शन, 3x by 2 माइनस 5y by 3 एंड इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन वाले हो गए, डेसिमल वाले सब हो गए, पहले आप क्या करो उनको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लो, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, उसको रीअरेंज कर लो। अब पहले मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 3s are 9x। आई थिंक आप एलसीएम अच्छे से कर सकते हो, सीखा होगा आपने एलसीएम, है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एलसीएम कर आपको नॉलेज में है, आप कर सकते हो। वैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 और 3 कैसे करते थे, 2 पे गया फिर 3 से करेंगे, 3 1 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 6, है ना, फिर नीचे लिख लेते हैं 6, तो जो ये 6 का डिनोमिनेटर वाला जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 आर 6, है ना, ऐसे करके देखते हैं जो आंसर है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, 3 × 3x, फिर माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5y = -2, 3 3 आर 9x, -2 5 आर 10y,
बाई सिक्स इक्वल टू माइनस है टू, तो ये अपना बन गया नाइन एक्स माइनस टेन वाई, सिक्स को कर दो क्रॉस तो क्या आ गया सिक्स टू आर ट्वेल्व, तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। पहले आपको उसने थोड़ा रीअरेंज करके लिखना, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। से हमने शुरू कर दिया, x की वैल्यू फाइंड करनी शुरू कर दी फ्रैक्शन में, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शंस में भी आप कर सकते हो, पर थोड़ा लेंथ होगा। हो सकता है, हाँ जी बेटा सर, माइनस टू आएगा या माइनस माइनस टू आएगा ना ट्वेल्व की जगह, ट्वेल्व नहीं ये सिक्स मैंने क्रॉस कर दिया बेटा, एक स्टेप देखो मैंने स्किप कर दिया आपने, चलो मैं दोबारा बता दूं, जो नीचे वाला सिक्स नहीं था ये वाला नाइन एक्स माइनस टेन वाई, तो ये क्रॉस नहीं हो गया, माइनस टू इंटू सिक्स नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल, तो इसलिए मैंने लिखा था माइनस ट्वेल्व, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो एलसीएम हम ले लिया था वो क्रॉस कर दिया हमने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है जी। तो ये अपने इसकी फर्स्ट इक्वेशन थी, अभी मैंने फर्स्ट को चेंज करके लिखा, इसको आप फर्स्ट लिख लो, ऐसे इस सम की जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी थोड़ा ठीक करके लिख लो, है ना, सिंपल फॉर्म में लिख लो, आफ्टर दैट वही अप्लाई कर दो जो हमने फर्स्ट और जो भी हमने दो सम किए, ऐसे आप इसके अप्लाई करके उस सम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें बेटा। अच्छा इसमें ना मैं फिफ्थ सम भी आपको करवा रहा हूँ, इसी का फिफ्थ पार्ट, ये जस्ट मैंने बताना था कि आप फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को थोड़ा पहले सिस्टमेटिक लिख लो, ठीक है। इसी का फिफ्थ पार्ट में कहीं कंफ्यूज हो लोगे, सर रूट वाला सम आ गया रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इज नंबर वन इक्वेशन, नंबर दो है जी रूट थ्री एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो, दिस वन वी आर दो नंबर इक्वेशन, ठीक है सेकंड इक्वेशन। अब ये भी चलो कर देते हैं, कई बच्चे सोच रहे हैं ये पूछते नहीं है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रूट टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो रूट टू एक्स, इसको ट्रांसपोज करेंगे जीरो माइनस ये आ गया, ठीक है, तो इन साइड में लिख सकता हूँ माइनस ये ओनली दिस वन, है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट थ्री बाय रूट एंड वाई, इसको मैं पुट कर लूं बेटा, पुटिंग 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 टू टू में पुट करते हैं, फ्रॉम टू टू नंबर इक्वेशन लिख लो पहले रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई समझ आ रही है। अब जीरो दिया होगा राइट हैंड साइड, कांस्टेंट नहीं दिया होगा और साथ में रूट वाले नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो मेथड है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या आ गया x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें रूट थ्री माइनस रूट थ्री रूट टू वाई माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखो रूट वाला रूट वैसे तो पहले आपको समझाया है रूट थ्री इसका मीनिंग क्या है, रूट थ्री पावर टू, टू को टू काट देगा और क्या आएगा थ्री, है ना, तो रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई सेम नंबर में क्या बच गया थ्री रूट टू y माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, इसके नीचे वन लगा लो और रूट एलसीएम अपना रूट टू आ गया, आगे कर देते हैं ऊपर, ठीक है अपना एलसीएम वन और रूट टू का एलसीएम आ गया रूट टू। अब देखो रूट टू को रूट टू से करोगे तो आंसर वन आएगा, वन इंटू माइनस थ्री वाई, ठीक है माइनस माइनस, ठीक है समझ आ रहा है। रूट टू को रूट एट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा रूट सिक्सटीन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ये थोड़ा स्टेप देख लो, रूट टू और वन का एलसीएम क्या हो गया रूट टू, ठीक है जो हमने पहले भी किया था एलसीएम से, रूट टू को रूट टू से डिवाइड करोगे वन आएगा, वन ऊपर मल्टीप्लाई लेगा सेम आएगा, ठीक है रूट टू को वन से डिवाइड करोगे तो रूट टू आएगा, रूट टू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने थोड़ा सा स्किप किया लाइक दिस ये आना था ना, तो 8 और 2 का क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 16 आ गया ना, तो क्या आ गया माइनस 3y, इस रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस रूट 16 का क्या आएगा 4y इक्वल टू 0 इनटू रूट 2, रूट 2 को मैंने क्रॉस कर दिया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब माइनस सेवन माइनस फोर माइनस सेवन वाई इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग जीरो, वाई इक्वल टू जीरो बाई सेवन, तो जीरो बाई सेवन तो भी जीरो ही आ गया है ना, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जीरो, ठीक है। दिस वन पुटिंग पुटिंग आगे आपको पता है ये क्या करेंगे, पुटिंग टू, टू में पुट वन में कर दो, चलो मैं वन में कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आप टू में भी कर सकते हो, तो वन से क्या आ गया फ्रॉम वन, फ्रॉम वन रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू मेरे पास जीरो आई, यहाँ पर पुट कर दें रूट टू एक्स रूट थ्री इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, रूट टू एक्स जीरो इंटू समथिंग जीरो जीरो, रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो रूट टू जीरो बाय समथिंग जीरो, तो एक्स की वैल्यू भी क्या अपने पास आ गई जीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एक्स भी जीरो एंड वाई भी जीरो, दोनों जीरो आ गए बेटा, ठीक है। देखो किसी ने कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। अपना फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो सम मैंने होमवर्क दिए वो आप करके देख लेना बेटा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसमें देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा मैंने ना रिकॉर्डिंग लगाई हुई है वीडियो, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, किसी भी समय आपको कंफ्यूजन हो तो वो आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट इज सम नंबर, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला देखो, सेकंड में आप सभी स्टेटमेंट देखो पहले क्या है, सॉल्व करनी है 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। देखो इसी मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से आपने x और y फाइंड करना, सेकंड सम की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड सम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपने खुद ही करना क्योंकि सिंपल है, सेम है, हमने कर लिया ऐसे तीन चार सम हमने कर लिए। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेकंड सम की, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, मान लो सेकंड सम के लिए आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, किस मेथड से, जो हमने अभी मेथड किया उसी मेथड से आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद वो बोल रहा है m की वैल्यू फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने हमें दे दिया y equal to mx plus 3। ये मैंने जस्ट लेट किया है, भी सपोज कर लो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर तो तब आएगा ना आपके पास एग्जैक्ट, मैं जस्ट ये काम आपके लिए छोड़ दिया, मैंने सपोज कर लिया कि x और y की वैल्यू ये आएगी, आपने खुद सॉल्व करनी है, देखनी है x और y क्या अपने पास वैल्यूज आ गई, अपने पास x और y वैल्यू आ गई तो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, लाइक मैंने y को 3 लेट किया 3, m x की वैल्यू मैंने 2 लेट किया 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करके मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके आपने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी बेटा, ठीक है जी। किसी को कोई कंफ्यूजन है सेकंड सम में तो अभी पूछ लें, जस्ट करना क्या है x और y फाइंड कर लिया, x और y फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में हमने फाइंड कर पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने m की वैल्यू फाइंड कर देनी है, सपोज कर लो मैं यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर 0 आ रहा है इसलिए मैं 4 कर देता हूँ, 4 कर लिया मैंने, तो आगे आगे वाले कई बच्चे सोच रहे हैं सर आगे क्या आएगा, ना पूछते नहीं है, डरते हैं पता नहीं क्या चक्कर है, पर उनको कंफ्यूजन है। आप क्या करोगे आगे वाला स्टेप, पहले ट्रांसपोज कर दोगे माइनस 3 टू एक्स, 4 में 3 गए 1 2 सॉरी m है यहाँ पर m 2m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, डिवाइड कर दो 1 बाय 2m, तो m मेरे पास क्या आ गया 1 बाय 2। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये मत सोचना कि x और y ये आया है ना, आपने खुद सॉल्व करना बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, मैं थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए मैंने जस्ट लेट कर लिया और आपको आगे वाला स्टेप बता दिया, क्योंकि फर्स्ट दो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है, ओके नहीं आगे वाला करें बेटा, नेक्स्ट सम कर ले। किसी को सेकंड सम में कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। अब देखो एक तो हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई थी फर्स्ट और सेकंड सम में, दो दो इक्वेशंस थे, हमने तो इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट नाउ यू कैन सी सम नंबर थर्ड गिवन देयर स्टेटमेंट सम, है ना, आप देख सकते हो स्टेटमेंट सम दिए हुए हैं,
हेडिंग क्या, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले हमने क्या करनी है, स्टेटमेंट पढ़नी है और लीनियर इक्वेशंस बनानी है, दो दो इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना और जो नीचे दोनों प्रॉब्लम्स दी हुई है उनकी इक्वेशन बनानी है और उन दोनों को सॉल्व करना है। देखो जितने 11 बच्चे अपनी क्लास में हैं, उनमें से पहले ये बताएं भी क्या हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, क्या मैं दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। या फिर वो बच्चे बोल दें जिनको अभी समझ नहीं आया, तो फिर मैं एक सम और करवा देता हूं, अदरवाइज आई थिंक सभी को सब कुछ सम आ गया है ना। तो फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, क्योंकि आगे वाले जो स्टेटमेंट सम है मैं आपको इक्वेशन बना बना के दूंगा और सॉल्व आपने खुद करना बेटा, ठीक है। देख लो मैं वेट कर रहा हूं किसी को दो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, है ना। नो सर। ठीक है, तो अब मैं आपको इक्वेशंस बना के देता हूं स्टेटमेंट सम का, तो आपने सॉल्व खुद करनी है इसी मेथड से। फर्स्ट सम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। सभी बच्चे मेरे साथ साथ स्टेटमेंट जरूर रीड करेंगे, ठीक है। ये ना हो भी ओनली मैं ही रीड किए जा रहा हूं और आप जस्ट आंसर देखे जा रहे हो, है ना। आंसर भी हम बाद में देखेंगे, पहले मैं ये देख लूं भी मुझे सम की स्टेटमेंट पता है ना। ये देखें हम पहले स्टेटमेंट क्या है। देखो हम ना लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं इन टू वेरिएबल, तो इसमें हर एक स्टेटमेंट में दो वेरिएबल हम जरूर लेट करेंगे। अपना सम क्या है देख लें, टू डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 है। पहले मैं क्या करता हूं, दो नंबर लेट कर लेता हूं, लेट थर्ड का फर्स्ट सम, लेट टू नंबर्स एक्स एंड वाई। आप कोई भी दो वेरिएबल कर सकते हो, एस टी आर पी, कोई भी अल्फाबेट्स कर सकते हो। तो कॉमनली हम मैथमेटिकली जब सम करते हैं तो एक्स वाई यूज कर लेते हैं ना, तो इसमें कोई जरूरी नहीं आप एक्स वाई करो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप एक्स वाई, या कई बच्चे अब तक हम सर नाइन्थ क्लास में किया ज्यादातर एक्स वाई आता है, वो कॉमनली हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिकली। उन्होंने सोचा है एक्स वाई, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने सम किया होंगे तो एक्स वाई लेट कर लिया आएगा, इसलिए वो एक्स वाई से चलता जा रहा है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, आर एस टी यू वी, है ना, कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने दो नंबर लेट कर लिए, लेट टू नंबर इज एक्स एंड वाई, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, x माइनस y इक्वल टू 26। फर्स्ट लाइन में अच्छे से रीड करूं, रीड बी केयरफुली, तो क्या लिखा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। फर्स्ट मेरी इक्वेशन खत्म हो गई, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 26, और साथ में मैं लिख देता हूं x ग्रेटर देन y। ये जो x नंबर है ना, अब किसी एक को तो हमें ग्रेटर मानना ही पड़ेगा ना, फिर भी उसका डिफरेंस रख सकते हैं 26 है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, 26 का डिफरेंस हो गया। और दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे, एड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, वन नंबर जो है 3 टाइम द अदर है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, वन नंबर x इक्वल टू 3 टाइम द अदर, 3 टाइम द अदर मतलब अदर नंबर मैंने ये कर लिया, वन नंबर ये लेट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये मेरी क्या आ गई, दो नंबर इक्वेशन। किसी बच्चे को भी आगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, फाइंड करो, फाइंड देम, इन दोनों नंबर्स को हमने फाइंड करना है। अब देख लो किसी बच्चे को भी इन दो इक्वेशंस के बारे में किसी भी स्टूडेंट्स को पता नहीं चला तो वो पूछ सकता है। उसने बड़ा सिंपल सा बोला था भी दो नंबर के बीच डिफरेंस 26 है, और सेकंड इक्वेशन ये फर्स्ट बन गई, और सेकंड यहां पर लिख सकते हैं नाउ, दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई थी, भी फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3 टाइम द अदर। तो मैंने फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट कर लिया, जो बड़ा है वो नंबर, ऑब्वियसली अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर ही किसी छोटे नंबर के मल्टीपल होगा ना, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो इसलिए मैंने लिखा x इक्वल टू 3 टाइम, ठीक है। तो यहां से मेरे पास दो नंबर इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, उसके बाद क्या करना वो आपको पता ही है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, नंबर 1 और नंबर 2 x और y फाइंड कर लोगे। उसने बोला फाइंड द नंबर्स, फाइंड देम,
इन दोनों को फाइंड करके दिखाओ भी क्या नंबर आएंगे, ठीक है। तो दोनों को आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन है दोबारा पूछ लो आगे, अदरवाइज फिर मैं सेकंड सम करवाता हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो बेटा। ये ना हो भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो और कोई बच्चा पूछे ना स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट मेरे साथ जरूर रीड किया करो, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करना जरूरी है, जब हम स्टेटमेंट रीड करते हैं तो आधे से ज्यादा सम हम कंप्लीट कर देते हैं। द लार्जर ऑफ, हाँ जी एक सम करवा दो। अच्छा करवा दें, ये हम करवा देते हैं। वही सेम मेथड से हम कर देंगे। फ्रॉम वन इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लें, फ्रॉम वन x की वैल्यू फाइंड कर लें, x माइनस y इक्वल टू 26, x की वैल्यू क्या आ गई 26। मेथड तो वही रहेगा ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूट मेथड करना, पुट इन टू में पुट कर दें, फ्रॉम टू x माइनस 3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने क्या की 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली थी ना, यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या आ गया 26 माइनस 2y इक्वल टू 0, 26 को ट्रांसपोज कर दें, 2y इक्वल टू 26 माइनस हो गया, इधर प्लस का ट्रांसपोज हो गया माइनस हो गया, माइनस को माइनस से काट दो, 2y equal to 26 और y की वैल्यू क्या आ गई 26 by 2, तो y मेरे पास क्या आ गया 13, ठीक है, y 13 आ गया, 14 1 कर दो 2 कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 14 1 में पुट करेंगे, from 1 x minus y equal to 26, तो y x equal to x minus y की वैल्यू 13 है, 26x equal to 26 plus 13 transpose okay plus होगा, ठीक है, x equal to answer क्या आ गया 39, तो मेरे पास x आ गया 39 और y मेरे पास क्या आ गया 13। अच्छा put करके देख लो, यहाँ पर put कर लोगे x 39 minus 13 आ गया 26 के equal, ठीक है, यहाँ पर put कर लो 39 ठीक है, हो गया, तो दो नंबर मेरे पास क्या आ गए 39 and 13, दोनों का difference 26 and one number is three times the other, बन गया ना, ये अपने पास दो नंबर आ गए, ठीक है बेटा। देख लो किसी ने कुछ पूछना पूछ लो बेटा। चलो आज के लिए हम सब इतना ही रखते हैं, आगे वाले स्टेटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, एक रिकॉर्डिंग में, ठीक है बेटा, एक अभी क्लास लीव मत करना,